हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईटेल मोबाइल में स्क्रॉलिंग डायरेक्शन ऑफ ए टू जेड क्या है, ये कहां पर मिलेगा, इससे क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं आईटेल मोबाइल में स्क्रॉलिंग डायरेक्शन ऑफ ए टू जेड आईटेल मोबाइल का एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पर मिलेगा और इससे क्या होता है। तो आईटेल मोबाइल में ये ऑप्शन लाने के लिए आप अपने होम स्क्रीन पर जहाँ पर स्पेस खाली है वहाँ पर आप एक उंगली को थोड़ा देर दबा करके रखिए। थोड़ा देर दबा कर रखेंगे तो नीचे साइड कोने में मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ मेन्यू ऑप्शन पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर अपीयरेंस सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ अपीयरेंस सेटिंग्स पर क्लिक करिए और उसके बाद इस तरीके से आएगा और यहाँ पर सबसे नीचे में आपको स्क्रॉलिंग डायरेक्शन ऑफ ए टू जेड मिल जाता है। तो आप इसकी मदद से आप ऐप के स्क्रॉलिंग डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी स्क्रॉलिंग डायरेक्शन ऑफ ए टू जेड में वर्टिकल सेट है, तो जब इसमें वर्टिकल सेट रहेगा तो ऐप को आप जो है वो नीचे से ऊपर की ओर स्वाइप करके इस तरीके से सारा ऐप को आप ला सकते हैं। ऊपर की ओर करके आप सारा ऐप को ला सकते हैं। लेकिन अगर जो आप इसमें चेंज कर देते हैं, यानी इसमें आप अगर जो आप हॉरिजॉन्टल सेट कर देते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक किया और यहाँ दो ऑप्शन आ गया, तो पहले से वर्टिकल है, अब मैं इसमें हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करके हॉरिजॉन्टल सेट कर दिया, अब स्क्रॉलिंग डायरेक्शन ऑफ ए टू जेड में हॉरिजॉन्टल सेट हो गया। तो हॉरिजॉन्टल सेट होने से ये होगा कि अब हम इस तरीके से स्वाइप ऊपर करेंगे और ऊपर की ओर करते हैं तो देख सकते हैं इस तरीके से करने पर सारा ऐप नहीं आता है। अब हम इस तरीके से स्वाइप करके आप सारे ऐप को हम ला सकते हैं, जैसे इस तरीके से करके हम ला सकते हैं, जबकि वो सेट रहता है वर्टिकल, तो हम इस तरीके से स्वाइप ऊपर करके भी सारा ऐप को लाते हैं, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल सेट हो गया तो उस तरीके से नहीं ला सकते हैं। एक बार हम इस तरीके से स्वाइप ऊपर करेंगे और इस तरीके से स्वाइप इधर की ओर करके सारा ऐप को ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्क्रॉलिंग डायरेक्शन ऑफ ए टू जेड से यही होता है।